क्या आप जानते हो टिंडर और बंबल जैसे ऐप्स में हर एक प्रोफाइल का एक सीक्रेट डिजायरेबिलिटी स्कोर होता है। आप में से बहुतों को लगता होगा कि ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स आपको आपका ट्रू लव डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं, बट डू यू नो द बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल ऑफ दीज ऐप्स? व्हाट इफ आई टेल यू दैट दीज ऐप्स गिव यू फॉल्स होप, मेक यू फील इवन मोर लोनली इन लाइफ एंड जनरेट बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ मनी प्लेइंग ऑन योर इनसिक्योरिटीज एंड डिस्ट्रॉय योर सोशल एंड लव लाइफ। हाय, आई एम ईशान शर्मा एंड दिस इज अ डार्क रियलिटी ऑफ डेटिंग ऐप्स। अब इस सबको समझने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, द एवोल्यूशन ऑफ डेटिंग। 1960s एंड 80s में मेन एंड वुमेन यूज्ड टू पर्सनली मीट ईच अदर विद देयर पेरेंट्स फॉर मैरिज। उस टाइम में पेरेंट्स यूज्ड टू प्ले अ ह्यूज रोल इन सिलेक्टिंग द बेटर हाफ ऑफ देयर चाइल्ड। उस टाइम पे लड़कियां जो कि घर की देखभाल अच्छे से रख सकती थी वर प्रेफर्ड बाय मेन, एंड ऑन द अदर हैंड लड़के जिनके पास एक स्टेबल जॉब होती थी वर प्रेफर्ड बाय वुमेन। ऑल्दो टू बी वेरी फ्रैंक, वुमेन डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ राइट्स टू चूज देयर पार्टनर्स। अब 1961 में दहेज आफ्टर डाउरी के बैन होने के बावजूद मेन to receive dowry from the bride's family and marriage was largely a necessity to grow the family. But aage chalke 90s mein love marriage ka concept kafi popular ho gaya. Men and women who had similar experiences, interests and ambitions dated each other for months and if everything was going fine they used to get married. Hence love marriage introduced this concept of hardcore love which was also seen in the movies that were made in that time. Here marriage was not a need for growing the family but to share the pain, sorrow, dreams and happiness with their partner. This resulted in men and women having more freedom to choose the partner to spend the life with. And that is why इस time में self-improvement was key to finding a meaningful relationship and having a better life. अब ऐसे चलते चलते 2010 आ गया and that is where the internet and social media came into the world along with a bunch of dating apps like Tinder, Bumble surfaced and the definition of love changed forever. अब dating apps were created to find your love partner with just a single swipe. अगर आपको किसी की profile और bio पसंद आए तो आप right स्वाइप कर दीजिए एंड नहीं आए तो लेफ्ट स्वाइप कर दीजिए। अब अगर आपने एक दूसरे को राइट स्वाइप किया देन यू बोथ कैन टॉक टू ईच अदर ऑन चैट एंड आफ्टर नोइंग देम इनफ यू कैन आल्सो मीट ऑफलाइन। अब सुनने में तो ये आइडिया अच्छा लग रहा है ना, एक्सेप्ट इट इजंट। डेटिंग एप्स आर डूइंग कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ दिस। दे आर नॉट हेल्पिंग यू फाइंड लव, इंस्टेड दे आर मोनेटाइजिंग ऑन योर लोनलीनेस एंड क्रिएटिंग डिप्रेशन एंड एंग्जायटी इन योर लाइफ। अगर टिंडर या बंबल पे दो लोग मिल जाते हैं एंड वो शादी कर लेते हैं देन दीज कंपनीज लूज आउट ऑन टू पोटेंशियल कस्टमर्स। नाउ व्हाई डू यू थिंक दे वांट टू लूज देयर कस्टमर्स? लेट्स डाइव डीप एंड अंडरस्टैंड हाउ दीज डेटिंग एप्स एक्चुअली वर्क। अब इसको समझाने के लिए आई विल टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेटिंग एप एवर। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टिंडर। जब आप पहली बार अपना अकाउंट बनाएंगे टिंडर पे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मैचेस। डेटिंग एप स्टार्टिंग में जो नई प्रोफाइल होती है उसको हर जगह पुश कर देते हैं सो दैट यू कैन हैव दैट इंस्टेंट रश ऑफ डोपामाइन। इफ यू आर अ गाय यू स्टार्ट चैटिंग, यू मीट अ लॉट ऑफ गर्ल्स, यू गो ऑन डेट्स, इवन वन नाइट स्टैंड्स एंड एवरीथिंग इज गोइंग वेरी गुड। यू सडनली गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड यू आर लिविंग योर ड्रीम लाइफ। एंड जब सब कुछ सही चल रहा होता है दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू स्टॉप गेटिंग द मैचेस। आप पिक्चर चेंज करते हो, बायो चेंज करते हो, सब कुछ करके देखते हो बट यू आर स्टिल नॉट गेटिंग एनी मैचेस। यू आर depressed and desperate and suddenly you see a notification of Tinder Plus subscription that guarantees you more matches. Aapko lagta hai ki that is the only way to get your old life back. So you buy the subscription and you start getting matches once again. You are back to your old life, going on dates, more one night stands and life is going good once again. You get depressed and just when you're about to delete the app, you get the notification for the Tinder Gold subscription. A higher tier subscription which gives you more features and guarantees more matches. Aap turant apna credit card nikalte ho, purchase karte ho and you are back on track getting more matches every day. But even this happiness ends soon and just like before, you stop getting the matches. And usi waqt you get a pop-up for Tinder Platinum, the most expensive subscription that opens up the gates to your fantasies. You immediately spend the hard-earned money to get the subscription. क्या आप इसका पैटर्न समझ पा रहे हो? बेसिकली आप एक नेवर एंडिंग साइकिल में फंस चुके हो जहां पर पहले आपको अकेला फील कराया जाता है, देन आपको फॉल्स होप दी जाती है, एंड टू मेक योर होप्स अ रियलिटी यू हैव टू स्पेंड द मनी। पैसे खर्चने के बाद जैसे ही आप खुश होते हो दे टेक अवे दैट रे ऑफ होप फ्रॉम यू एंड यू आर बैक ऑन स्क्वायर वन। द ओनली वे टू गेट दैट होप बैक इज टू स्पेंड इवन मोर मनी ऑन द ऐप। अब द मनी मेकिंग ट्रिक्स ऑफ दीज ऐप्स डोंट जस्ट एंड हियर। सितंबर 2019 में FTC या फिर US की फेडरल ट्रेड कमीशन ने मैच ग्रुप को सू किया था फॉर क्रिएटिंग मिसलीड advertisements and bots to get people to buy their premium subscriptions. Ab ye jo Match Group hai na, this is a parent company that holds most of the online dating companies like Match.com, Tinder, Hinge and many more. Ab FTC ka kehna hai ki 2016 se 2018 ke beech mein 5 lakh logon ne Match Group ke subscriptions ko purchase kiya tha within 24 hours of seeing a fake message. Ab aapko aapki life ka sachcha pyar mile na mile but these apps will definitely make sure to find a way into your bank account and even in your mind. Nahi samjhe? Let's talk about the algorithm.
एल्गोरिथम ऑफ डेटिंग एप्स। अब आप में से बहुतों को लगते होगा कि आपकी एज, हॉबी, प्रेफरेंसेस, लोकेशन के थ्रू डेटिंग एप्स आपके लिए राइट मैच चूज करता होगा। अब दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट, बट देयर इज मोर टू इट देन यू कैन सी। वापस से टिंडर का एग्जांपल लेके देखते हैं। अब टिंडर हैज मेड अ सीक्रेट डिजायरेबिलिटी स्कोर फॉर ईच ऑफ इट्स प्रोफाइल्स कॉल्ड एज द ELO स्कोर। अब इस मेथड को पहले यूज करते थे टू कैलकुलेट द स्किल लेवल्स ऑफ चेस प्लेयर्स। इट इज दिस हिडन रेटिंग दैट टेल्स द एल्गोरिथम हाउ ऑफन टू शो योर प्रोफाइल टू अदर यूजर्स। अब ये स्कोर डिपेंड करता है कितने लोगों ने आप पे राइट स्वाइप किया है, बट दिस इज अ वेटेड स्वाइप, मतलब कि जिन लोगों ने आप पे स्वाइप किया है उनको कितने लोगों ने स्वाइप किया है। दैट इज हाउ दिस डिटरमाइंस वेदर टू शो प्रोफाइल और नॉट। अब आपके जितने स्वाइप्स होंगे उतनी हायर रैंकिंग भी होगी। अब इसको एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। लेट्स से एक लड़का है जिसको एक राइट स्वाइप मिलता है फ्रॉम अ गर्ल नेम ईशा, एंड ईशा हैज 85 स्वाइप्स ऑन हर प्रोफाइल। अब क्योंकि ईशा के प्रोफाइल को बहुत सारे लोगों ने राइट स्वाइप किया है, जब वो आपकी प्रोफाइल को राइट स्वाइप करती है तो आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो जाती है। वहीं इफ देयर इज अ गर्ल नेम्ड अंजलि जिसके पास सिर्फ 5 राइट स्वाइप्स हैं, एंड अगर वो आपको राइट स्वाइप करती है तो आपकी रैंकिंग इंक्रीज नहीं होगी। एंड इफ आफ्टर यूजिंग द ELO स्कोर एंड द डेटा द ऐप हैज ऑन यू, इफ द एल्गोरिथम डिसाइड्स कि आपको फ्यूचर में इतने स्वाइप्स नहीं आएंगे, इट विल स्टॉप शोइंग योर प्रोफाइल टू द अदर यूजर्स। अब इवन दो टिंडर ने रिसेंटली आके बताया था दैट दे हैव स्टॉप्ड यूजिंग द ELO सिस्टम, दे हैव रिप्लेस्ड इट विद अ न्यू एल्गोरिथम, बट वो भी नया एल्गोरिथम वुड बी अ सिमिलर वर्जन ऑफ द ELO सिस्टम। एंड यही सेम एल्गोरिथम बंबल में भी यूज किया जाता है, विच इज टिंडर्स बिगेस्ट कंपटीटर। अब इस पूरे सिस्टम की प्रॉब्लम ये है कि दे आर जजिंग यू बेस्ड ऑन योर लुक्स ओनली, तो आपके सिर्फ हाइट, वेट और बॉडी टाइप को ही कंसिडर किया जाता है, जबकि आपकी लाइफ वैल्यूज, spiritual values, family values and other important factors are not considered at all. All that matters is how good you look. The problem with this system is you can never judge the person until you've met them in person. For example, agar aap kisi se miloge nahi, then you will never get to know ki wo kitne cheerful hain, kitne humorous hain, kitne charismatic hain, and that is the big problem. So at its core, the less attractive you are, the more money you will have to spend on these dating apps. Ye sare dating apps mein pyar ki paribhasha hi change kar di hai. Although this doesn't end here, the real problem begins with infinite choices. Now think about it, with so many choices it becomes extremely hard for you to make one decision. See, when you open a dating app you are getting access to hundreds and thousands of people in your age, location and religion. Jab aapko itne sare logon mein se select karne ka chance milta hai, it gets very hard for you to pick the right one. Ab aapko lagta hai ki agar aap bas ek aur right swipe karo, you might just find the right person for you. It's like Amazon warehouses, you're not treating people as humans but as objects, and the result you will never get satisfied and will keep using the app again and again and again. Ab iski wajah se you become less empathetic. Instead of finding a long term relationship, you are looking for a quick hookup. And isse bhi kharab cheez ye hai ki these dating apps throw you away from your normal day to day activities and your life. Ab problem ye hai ki ye dating apps don't allow you to face the reality, rather throw you into a strawberry world of fantasy. Starting mein you get that instant dopamine rush after getting a ton of matches, fir aapka sara time aur energy is app ko use karne mein nikal jata hai. And jaise hi aapko match milne kam ho jate hain, you start taking help of these so-called dating gurus on YouTube. Zyadatar dating gurus end up giving you rubbish advice on how can you optimize your bio, your photo, how do you flirt with girls. They'll tell you all the tricks for ladki patawing rather than giving you the essential important lessons for having a long-lasting happy relationship. All of these things are throwing you away from the real adventure of life. You end up not facing the real challenges in life because, you know, when I asked my parents, they said that back in my day, we just used to approach the girl and ask her out instead of waiting for the right match. आप ट्रैवल नहीं करते हो, नए लोगों से नहीं मिलते हो, नए पर्सपेक्टिव्स नहीं सीखते हो, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट करियर में और लाइफ में ग्रो नहीं करते हो, आप कुछ प्रोडक्टिव नहीं करते हो, आप बस अपने बेड पे लेट करके राइट या लेफ्ट स्वाइप करते रहते हो अपने फोन पे। अब एक एग्जांपल लेते हैं ऑफ टू गाइस, गाय ए एंड गाय बी। पर्सन ए इज अ फ्रीलांस वीडियो एडिटर, वर्क्स विद बिग क्लाइंट्स, हैज अ स्टेबल इनकम एंड हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस टू शेयर। एंड दूसरी तरफ यू हैव पर्सन बी जो कि अपनी नॉर्मल जॉब करता है एंड देन घर पे आकर के इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता है और डेटिंग ऐप्स चला करके सो जाता है। हु डू यू थिंक यू वुड लाइक टू टॉक टू द most? Person A, right? Ab dating apps are making you that person B. To ab conclude karte hain, all dating apps just want to make money. That is what their intentions are. Ab kyunki Tinder, Hinge, Match.com, OkCupid are all owned by Match Group, these create various different dating apps and different features to target different people. Wo aapko vishwas karate hain ki ek dating app is better than the other one, and that is how they keep increasing their user base and making loads of money doing so. Stop using these dating apps. Go out in the real world and meet people.
people. Improve yourself, earn money, have new experiences, travel, so that you will have great stories to tell other people. Stop feeling insecure. You will definitely find your partner one day. Ab mere experience mein, I found out that person when I was never looking for a relationship. I think you should never force it. Like, you should not force to find your love partner. You will find it eventually. When you will meet new people, you will eventually find that person that you find interesting and you would want to spend the life with. Agar aapko ye video pasand aayi ho, to make sure that you hit the like button and subscribe. Please let me know in the comment section what is the next video I should make. Also share this video with a friend of yours jo aapko lagta hai ki is in a depressed state of mind because of these dating apps. Lift them up, help them, go explore your life, and you can tag me on social at ishansharma390. But agar aap social media pe bahut zyada time waste karte ho, then you have to watch this video. Thanks a lot. I'll see you in the next one.